नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको हरियाणा का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं और जिस विधानसभा में मेरी मौजूदगी है उस विधानसभा का नाम गन्नौर है, जो कि हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। आखिरकार यहाँ की जनता किसकी सरकार चाहती है, वो लगातार हम पूछ रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी तेवड़ी गांव में है। एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन, ग्राम पंचायत तेवड़ी। और यहाँ का वोट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो 2500 तक का वोट बैंक यहाँ पर है। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बुज़ुर्ग बैठे हैं, यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे बातचीत करूँगा, क्या नाम हुआ जी? आप बलजीत। बलजीत, हाँ जी। क्या लग रहा है जी, अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? ये सरकार तो किसी की भी हो, हमारे लिखे तो यू बनेगा राजेंद्र, यू देवेंद्र कौशिक न यू कादर कौशिक का ध्यान है। अच्छा, वो मुँह तो लिकट गई हूँ, निकल गई। अच्छा, ये बताइए मुझे किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्या समीकरण रहने वाले हैं? पब्लिक बुद्धि खा रही है, समीकरण तो पब्लिक इसके साथ है। अच्छा, हाँ। तो क्या काम अच्छे लगे आपको इनके? इसके सारे काम अच्छे हैं। सुविधा इतनी दे रखी है, हल्के तो जो कर एम्बुलेंस हैं, बच्चों की पढ़ाई है, ये सारे काम ये बढ़िया बढ़िया कर रहा है। अच्छा, हाँ। कह रहे कि हाथ बदलेगा हालात? ना ना ना, लवत हो रहा भी नहीं है। कुलदीप शर्मा ने बढ़िया काम कर दिया, एक भी नहीं कर रखा, एक भी नहीं कर रखा। अच्छा, गणवा दो, आप गणवा दो, आप तो सारिया ने इनकी गिल रहो, एक भी काम कर रखा होता है। अच्छा, नहीं करा कुछ भी? ना कुछ नहीं करा। कह रहे गन्नौर मांगे अब की बार कुलदीप शर्मा के, करिया बता दो, आप बता दो, हमने तो कोई नहीं देखा को करिया। इधर 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 आइए, इधर आके बोल, इधर आके बोलिए ना। आप बताइए जी, आपका क्या नाम? आपका क्या नाम? जोगिंदर। जोगिंदर जी, आप बताइए आप क्या चाहते हैं, किसको एमएलए चाहते हैं? ऐसा जी, हमारे गुआंडरा है और गांव में, हरेक गांव में बिछाने की कुर्सी लोगों की और एम्बुलेंस की सुविधा, बच्चों को बार बार इनाम दे जो अच्छे नंबर से पास होता है, अगर सेवक छोरा है और पूरी गन्नौर की जनता इसके साथ से कम भी 50,000 वोटों से इसकी जीत से। अच्छा, हाँ जीत से, 50,000 वोटों से जीत से। अच्छा, कति पक्का वादा 50,000 वोटों की जीत से इसकी। अच्छा, काम क्या अच्छे लगे आपको? काम सारे अच्छे करें, सेवक छोरा है, गरीब गुरबे ने कि जात की कन्यादान है, गरीब की लड़की है कन्यादान के रूप में उसके सब मदद करे है, भाई एम्बुलेंस की सुविधा है, गरीब गुरबा है को बेचारा रात ने बरात ने कोड्डा ओवर भी हॉस्पिटल में पहुंच जाए है, बैठने के लिए कुर्सी जगह जगह चौराहा पे मैं नहरों के पुलों वो है कुर्सी बनवा रखी लोहे की, आराम से लोग बैठे हैं, और इस तबती और क्या सुविधा होगी? ये कह रहे कि जो प्रतिद्वंदी है और अमिल यूनी को एम पी यूनी, यू देख समाज सेविक लड़का है, उसके हिसाब से करने लग रहा, जब एमएलए की इसने पावर हो जाए फिर सड़क भी बनवा होगा हमारी, भाई खेतें रास्ते भी बनवा होगा, भाई चौपाल भी बनवा होगा, सारे काम करेगा, उम्मीद है हमने इससे हर एक काम करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों लोग लगातार पार्टी को सपोर्ट करते, कोई कांग्रेस को करता है, कोई भाजपा को करता है, कोई तीसरी पार्टी को करता है, तो आपने निर्दलीय क्यों चुना? ऐसा है, वो हमने जो रमेश कौशिक है वो हमने कई बार से 33 साल से देख रहे हैं, उसके भी कामकाज पब्लिक ने देख लिए, और जो यू कुलदीप शर्मा है 10 साल यू रह गया, इसने कोई भी काम गांव में न्यू बता दो, किसी भी गांव में अगर भाई यहाँ कुलदीप शर्मा का या रमेश का उसका बोर्ड लाग रहा है, भाई यू काम उसने करवाया कहीं भी कोई से गांव में, हमारे मारे गए नहीं, अड़ोस पड़ोस के जितने मारे गाँव कहीं नहीं दिखा दे भाई यू बोर्ड कुलदीप शर्मा का लाग रहा है, भाई यू काम है, यू पक्का रास्ता बनवाया हो या कुछ चौपाल लाग रहा हो भाई कुलदीप शर्मा बनाया गया, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कर रखा, और भाई कितनी मुड़कूब कितनी पैसे दिए होंगे उसके राज में सरपंच दे दिए होंगे, हमने कितनी न्यू नहीं दिखा भाई सरपंच ने यू काम करवा दिया, भाई कुलदीप शर्मा ने करवाया, तो मतलब जो वो दावे कर रहे हैं वो सही नहीं है, दावे हैं झूठे कति जमा सब झूठे हैं, ये दावे दे 6,000 प्रश्न के लोगों ने बहकाव हैं, अरे 3,3200 प्रश्न ये कि हम कुछ भी नहीं कर का दे, ये के थोड़ी है, ये को थोड़ी के जब हम कुछ भी नहीं सरकार है कुछ कर का दे, और 3,3200 बुजुर्ग ने मिल जाए यार आए साल पर धान ला रहे इसका आराम का ना है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं 7 गारंटी किसानों के, चलो 7 देगा वह बीमारे मगली कटनी है, वह बीमारे मगली कटेगी,
वो कौन अपने करते देंगे, वो भी हमने चुन चुन खाएंगे, वो हम हमारे तो पहुँचाने उनने उल्टे सुलटे ना। तो कोई भी कार्य जायज हो है, जायज है, इस सरकार में ठीक चल रहा है। और हमारे हिसाब से देवेंद्र भाई साहब है हमारे गुआंड गए हैं, हर एक पब्लिक इसको चाव है। हाँ, कह रहे कि हाथ बदलेगा हालात, कमल का फूल खिलेगा। खाम बकवास बकवास कति जमा। हाँ, एक बात सुन, सिलेंडर में गैस है? सिलेंडर दा भरया खड़ा कति जमा, कति फुल है जमा कति। हाँ, बटन दा वेनु गुंडा पट रहे है। छर दिन बोलेगा, 10 बजे छर दिन बुला देंगे। हाँ, निर्मल चौधरी कह रही मेरे पास भी सिलेंडर ही था। ना ना, अरे सुने, निर्मल दन्यू भी कहे यो बेरुपिया आमदन्यू कहे ईसा बेरुपिया घर घर होना चाहिए। अच्छा, इतने काम करा रहे भाई साहब, दोनों आए फोटू भी सोतरे नहीं। हराम ने बलद की है ना, बूढ़ा बलद हो जा, नाथ काट दिया रहे, इनकी नाथ भी ना लिकड़ती। अच्छा, ए देखो ना, शक्ल भी बुढ़ सोतरी नहीं, के काम करेंगे यो। तो भाई रात दिन 24 घंटे मन साम बढ़िया रहे, कोड़ाने फोन में ले ले ओडाने। ये 20 दिन तो आए हैं, इब नौकरी भी दिलवाओगे, विकास भी करेंगे। कुलदीप शर्मा ने बहुत काम करा, गन्नौर करे हमने तो दिखे ना करे हैं, तो फिर दिक्कत है के दे। जातिवाद फैलाया है, 36 बरादरी का साथ है भाई के लिया। और बढ़िया मैंने को हूँ ईशा है भाई, घर के लिया होना चाहिए। अच्छा, देख आर ओ लवा रखे प्याऊ एम्बुलेंस, और जो शमशान घाटा में चबूतरे हैं अपनी अर्थी टेकन चमाशे में बरसात में फ्री रक्षा, फिर गामा के लिया सफाई की, गरीबा की लड़कियां की शादी, इतने काम है कि 1.5 दिन लायक जगह आपकी रील खराब हो खत्म हो जाएगी। इतने काम होशियार बालक हैं उन तयनाम स्कूटी लैपटॉप फोन है खिलाड़ी सम्मानित करें, ये के करे हैं मेरे जैसे ने गेला बैठाले गाड़ी में कन्यादान भी सोगा गलवाओ है अगदी ये खुले आ बटुआ बोले आप गाड़ी में ठीक है। अरे वह दूसरे से बढ़िया साफ छवि के नेता हमारे घर सब कदी बेटी है, बढ़न भी ना देंगे लोग मदन। हाँ बढ़ो न। हाँ, लेकिन पार्टी का तो फर्क पड़ता है ना। ना भाई साहब, हम तो पार्टी ने न्यू कहे इसे पाओगे, हाथ बदलेगा हालात। ना ना, कुछ ना बदला, 10 बजे नहीं है छर दिन बोल लेंगे, 10 ना बाजे सब ने बेरा। 10 को ना बाजे, 10 बजे पहले हल्के में ले रहे क्या उनको, किसके बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ, खिलाड़ी उनकी तक थेपड़ का सुआ, खिलाड़ी सदा खिलाड़ी रहा है भाई साहब। पहलवान है, सुनो समय हर एक चीज का, नया छोरा आओ है ना तम देन मारे उसने, नया है यो दसना बाजन दे तलम ला रहे हैं, बस लोग दर्द न्यू हो रहा है या 5 तारीख कद आवे और कद इनका रोक कट्टा बस। हाँ, 10 नहीं बाजन देंगे, बूझ ले कि इससे भी ऐसे है क्या। हाँ, आप भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अरे मैं पकड़ लूंगा। हाँ, भाई साहब है देवेंद्र का दिन, ये सा लड़का मारे पूरे एरिया में कहीं भी नहीं है। अच्छा। हाँ, और इसके इतने काम है गिनती भी नहीं करी जा सकती। और ये और लोग ये कह रहे हैं कि जो पार्टी का ही नहीं हुआ और जनता का कैसे हो जाएगा, जो 5 साल में इलेक्शन हो ना, ये देख भी नहीं ना गया वहाँ। और यू सारी आण मारे दो रहे, सारे दुख दर्दों का हमदर्दी कोड तैयार कर ले तैयार पाओ। और इतने काम कर पूछो ना आमदनी कहा भाई साथ हो रहा सब को होना चाहिए। और हीरा मिल गया लेकिन ईसा को ना तो देखा हमने, 40 साल मेरी उम्र होली बतेरे देख लिए भाई कौशिक पोशिक निर्मल परमल कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा ने एक काम कराया गाँव में, तो 2 पकड़े और उनका बन गया चिल्ला। उस तय पूछा भाई कौन सा आयु ठीक है, आ जा भाई फलाने, इसने यू तो कराया कुलदीप शर्मा, और इन्हें कुछ नहीं करा। बूढ़े बुजुर्ग भाई ने 5 दबुआए हैं, ये काम कुलदीप शर्मा के वहाँ कि तो भंडारे में चले गया खा कर पूरी एक दड़ी पूछ कर बनी अपने लत्ते आदर ना बहुत सब 1 रुपया नहीं देता सब खाना बहुत स्वाद। ये धंधे इसके हैं, यू क्या है महाराज छोरा दी सा जवान ही ने बजान में लिया लो गड़ान में लिया लो यू दबा रही समरेसा है काम में इतने कर ला रहा, इतना उठेगा इतना तो यू कई गुआंड पर। हाँ, ये इतना उठेंगे ना बूढ़े हो रहे हैं, इतना चंडीगढ़ जा लेगा यो। हाँ, ईब को बात हो जाए ना, ई फोन कर दे रात ने 15 मिनट माड़ा पाओगा। अच्छा, उसकी कौन रीस कर सके इसकी, यू तो बनकर करनाल जा बैठे हल्का मरो इना नुआ ना बेरा कौन के हो रहा कि मरगत पना सरगत पनी, ये तो ईशे काम हो रहे ईब कई कई सारे बूढ़े बड़द हो रहे हैं, बूढ़े बड़द हो रहे हैं कि नाथ काट देंगे ना तो उड्डा दे लिकड़ी ना बीजेपी आला दे लिकड़ी, ये बूढ़े बूढ़े ले आओ कितना पकड़ गए। नया भाई है 10 बजे चंडीगढ़ पाओगा। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ बाबा जी? धर्मपाल। धर्मपाल जी, कितनी उम्र है आपकी? होगी
लगभग 87-88। अच्छा ये बताइए मुझे, आपने तो बहुत सारी सरकार देखी होंगी और आपके यहाँ एमएलए भी बहुत सारे देखे होंगे, तो अब की बार क्या मन बनाया आपने? एक की बार में मनाया, ये बालक बढ़िया है। अच्छा कौन? हाँ बालक बढ़िया है, ये धर्मेंद्र कादर। हाँ बढ़िया, काम सही से लगे, अच्छे करे है, काम सही करे है, कुछ अच्छा लगा? हाँ मतलब 5 साल देख जाना बोलिए, ये बढ़िया काम कर रहा था। हाँ इसलिए हम की गेल जुड़ रहे। हाँ बुजुर्गों के सम्मान करते हैं? हाँ खूब, न्यू पंप कर रहे हैं हम, जब उन्हें पुचकार हैं पाया का न्यास कर रहे हैं पहले, फिर हम पुचकार हैं उन्हें न्यू जुड़े की गेल बालक बड़ा बढ़िया है। अरे रिक्शाएं चलवाई हुई है इन्होंने? हाँ सारी मौत कर रखे हैं उनके लिए, स्कूल भी खोल रखे है गरीबों के लिए, स्कूल भी खोल रखे है, किराया भी दे स्कूल का, टीचर के भी पैसे दे हो, दो हैं चार हैं छः हैं। हाँ बड़का ना आड़ा गरीब लोग आई बाल्मी काम है, उसका मकान भी बनवा के जा रहा हूँ। हाँ खाद्यान्न है, हाँ किसी की छोरी का गरीब की का ब्याह हो उड़ा पूरी मदद करे उसकी गरीब की, और उन गए इसी मोटी मोटी की थी आले उन गए के कर ले तो जरेगा उधर बात हो रही के हाथ बदलेगा हाला। हाँ बदल दिया थी, 5 तारीख ने मेरा लाग जाया कि बदलेगा। और आप बताइए जी आपका क्या नाम? सुवादिये थेपड़े गए थेपड़े का सुवादिये को लल्ला लल्ला लोरी दूध दुबरी कटोरी दूध में पड़िया पतासा कुलदीप कोश्य करो तमाशा वो काम देखिए। आप बताइए जी आप सतबीर सिंह। सतबीर जी आप बताइए, आपने क्या मन बनाया अब की बार, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो जी मन तो इस पब्लिक का है सारा, सब ने बनाया है देवेंद्र कादियान जैसा लड़का। हमने तो 30-35 साल होली इलेक्शन देखते हुए ऐसा लड़का हमने तो देखा नहीं जी, इतना शानदार काम करता है। एक हमारे समाज में एजुकेशन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, एजुकेशन जो फ्री देता है उससे बढ़िया कौन हो सकता है जी, सबके बच्चे पढ़ लिख के आगे जाएं, इससे बड़ी कोई वो जिंदगी बनाता बच्चों की, इससे ज़्यादा अच्छा काम क्या करेगा। और गरीबों के लिए आप शहर गन्नौर में चले जाओ, ई रिक्शा पर लिखा मिलेगा, पैसा नहीं देना आपको, यहाँ से वहाँ से झांकड़ी में मेरे को मकान में छोड़ के आओ, वो मकान में छोड़ के आता लोगों को। हाँ जी वो दो किनको कारण है? सबको सबको जी, कोई भी बैठो उसकी रिक्शा में, कोई किसी पे लेबल थोड़ा ही लगा लिए तो नहीं होना, सबके लिए जी, पब्लिक में जैसे बुजुर्ग उसको जरूरत है उसको जरूरत मंद सबके लिए का मतलब कोई पैसे देगा, लेडीज है बाजार में कोई भी है बैठेगा कोई मना नहीं करते उसको जी, स्पेशल लगभग गन्नौर के जितने विकलांग है सबको रिक्शा दे के उनको तनख्वाह देता है भाई, उनका घर भी चलता है और लोगों को अपना घर भी मिल जाता है। बुजुर्ग लेडीज खड़ी है रोड पे, रिक्शा वाला खड़ा होकर पूछता है जी घर जाना आपने, छोड़ के आऊँ माता जी, वो देवेंद्र कादियान है जी, बताइए आप और क्या चाहते हैं उससे। वो लड़का आपने, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, अपने घर के लिए करता हूँ, पब्लिक के लिए नहीं, इस बंदे ने पब्लिक के लिए काम किया है जी, अपने पैसे से सबको करा है, कोई भी आदमी बता दे किसी से चंदा लिया हो किसी से सहयोग मांगे हो सारे काम अपने पैसे से करता है जी वो बंदा, क्यों हमारा समाज सेवी है, उसको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे जी। ये लोग जो हमारे आज हाथ लेके आ गए, कोई फूल लेके आ गया, इन लोगों को हम इसी टाइम पे देखते हैं, बाकी तो कहीं मिलते नहीं, कैसे वोट देंगे उनको? ग्राउंड पे नहीं रहते, ग्राउंड पे कहीं भी नहीं होते जी, कहीं देखेंगे तो पक्षपात होगा, ये भाई पुलिस में मेरा इसका झगड़ा हो गया, पुलिस में चले गए, ये पहले चला गया था, इसकी हिमायत होगी, मैं थाने में पिटूंगा, ये काम ये लोग करते हैं। देवेंद्र कादियान पंचायत में बैठ के फैसले करता है इन चीज़ों के जी। हाँ जी भाई साहब हल्का इन पर पूछा है, इतने दिन राजनीति कर दे लिए ना भाई, को एम्बुलेंस हो किसी गरीब बालक तो पढ़ाई का कुछ हो बस सैनिक का कुछ करो, देवेंद्र का ध्यान है सैनिक के लिए भी, आज लको सरकार ने जिन्हें जो सैनिकों का सम्मान करो, इस भाई साहब के इतने काम है, एम्बुलेंस रात न कहो, रात ने भी बारह खड़ी में लगी 5 मिनट में एम्बुलेंस, कोई बनकर चालिए इतने नेता किसी नहीं है काम करे, बता दो गरीब की छोरी का ब्याह करना हो किसी गरीब का घर बनाओ बना कर दिखा दो, को मांगी ये इतने काम कर रहा है, साइकिल नहीं देता आदमी, साइकिल मांगा ना महंगी नहीं देता, रात ने 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाए, हर बने है यार सुनो, या गरीब गरीब के लिए एम्बुलेंस नहीं है, अमीर के लिए भी है, घर में 4 गाड़ी खड़ी, घर में मर्द मानस नहीं, दिक्कत होगी कोसी बीरबानी का, इन दवा इन बखम पे नंबर लिख रखे हैं ठीक है, मिला नंबर और टम देना आएगी 5 मिनट मारी भी इन न के करा गणे खंभ्या बूझ भी लिए मैं कदे नु मानता हूँ झूठ बोल रहे हैं,
खंबिया में जितने एम्बुलेंस आई नंबर थे उन ब पंडित कुलदीप शर्मा हमने न्यू कही भाई रे इन खंबिया ने तो छोड़ दो और कितने लिख दो सब ने न्यू बेरा पंडित जी है आगे पंडित पाछा शर्मा के साबित करना चाहो सब ने बेरा पंडित जी है। अरे ये एम्बुलेंस ये नंबर है नरम गरम गर अमीर का सब का काम आओ इन बक्सो तई हाँ हल्के गई नीत नीत हो रही है अरे भाई साहब नीत हो रही है 10 बजे बता दी ये इतना उठेंगे ना इतना चंडीगढ़ पाओगा चंडीगढ़ पाएंगे। बाबा जी से पूछ लेते हैं आपका क्या नाम हुआ जी? राम सिंह है जी। क्या राम सिंह नाम है जी? राम सिंह जी। अच्छा आप बताइए आपने बहुत सारी सरकार देखी होंगी एमएलए देखे होंगे अब की बार किसकी सरकार बना रहे? अब की बार देवेंद्र कादियान को बना रहे। देवेंद्र कादियान हाँ क्या काम अच्छे लगे आपको? काम ये सारे अच्छे हैं जी उसके आपने सारे सुन लिए एम्बुलेंस फ्री शिक्षा फ्री और जो बच्चे खेल में पढ़ाई में आगा हुए उन्हें लैपटॉप दे खिलाड़ियों का सम्मानित करा है और फ्री रिक्शा चला रखी बाजार में गांव में फ्री ये सफाई के लिए रिक्शा दे रखी गंदगी को बाहर गिरा जो सफाई कर्मचारी हैं वो गंदगी ढोने खातर उन्होंने रिक्शा दे रखी ई रिक्शा गाँव में सफाई पर पूरा ध्यान है इसका कि गरीब की लड़की की को शादी हो उसमें पूरी मदद करे कन्यादान कर रहे बिना किसी घर ने छोड़ दे नहीं हारी बीमारी में किसी का हो जा कुछ गड़बड़ सड़बड़ उधर खड़े पाओ है कसर के इसमें। अच्छा उधर बात चल रही है कि भाई हालात बदलेगा जो है हाथ जो है वो हालात बदल हाथ में कोई जादू नहीं रह रहा ना जी कोई जादू नहीं रह रहा। कमल का फूल कमल के फूल में भी बुझ लिया जी उधर मुरझा गया हाँ पानी नहीं गहरा घने दिन था इसलिए वो बैठ गया जी। अच्छा। कुछ धूप भी अब की बार गर्मी भी ज्यादा थी आपको पता होगा उसने फूल खराब कर दिया। अच्छा। ऐसी गद्दार पार्टी जैसे ऐसे नौजवान को पछाड़ दिया जिसने उसको टिकट देने से मना कर दिया और पैसों में किसी और को टिकट बेच रहे हैं वो यहाँ किसी को बनाने की कोशिश बन जाएगा क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जी ये पार्टी के नहीं हुए तो लोगों के क्या पार्टी पार्टी हमारी नहीं था हम क्यों पार्टी के होंगे बताइए आप। वो 10 साल सेवा करी पार्टी की वो पार्टी के उसको तो पार्टी का फैसला नहीं मान रहे जिसको टिकट दिया भाई। तो भाई पार्टी का फैसला मान के पीछे बैठे रहे हमें काम की जरूरत नहीं है क्या? काम तो ही है ना हमें काम के लिए हमने इस लड़के को आगे लेके आए हम पार्टी से पहले तो पब्लिक है ना। इसने क्या किया कुलदीप शर्मा ने गांव एक गांव में 4 बंदे पकड़ लिए मतलब 4 अपने पालतू बना लिए उसका एक बालक पकड़ लिया नौकरी लगवा दिया इसी से लगवा रखे जिन आज तक ABCD भी नहीं आती वह सरकारी नौकरी लगवा रखे हैं। ये 2 दिन पहले काम कलानी मारा था उन था वाल्मीकि में रेडबुल दे दी पीने खातर 2 दे दी एक तोड़े पी ली एक ड्राइवर तक पकड़ाई ले गाड़ी में धर ले चलती आने पीवेंगे ये है देख लो ये कहे हैं बीजेपी में यू कर गया बीजेपी में यू नहीं कर गया बीजेपी ने गल्या करी इसने पीछे जो रमेश कौशिक और यह बहन निर्मल है भाई इसने पाछे पार्टी बगावत करी इस भाई ने देवेंद्र कादियान ने इतनी मेहनत करी हल्के मत जता दिया था बड़ोली वाला और इसने उसने एक पार्टी में होकर खिलाफत कर दी और भाई साहब ने पाछा आश्वासन दिया था भाई टिकट देंगे भाई साहब ने निर्दलीय नहीं लड़िया फिर हिबके के करा हिबके भी नहीं है जादू करा इसने बका दो कादियान साहब ने यू बैठ जा सब लेकिन हिबके के करा हल्का इकट्ठा हो गया 37 बरादरी इकट्ठी हो गए अरे ने कराया भाई तू इलेक्शन लड़ हम तेरे साथ हैं। निर्मल चौधरी जी कह रही हैं कि टिकट तो मेरा कटा है उनका कहाँ कटा है मौजूदा विधायक में थी विधायक साहब भाई साहब टिकट उसका क्या कटा है उसका तो कटना है था वो आप उसके किसे देने की नहीं जो काम करा है भाई उन्हें पार्टी की खिलाफत करी उसकी टिकट तो नहीं कटी पार्टी जो उसने भाई साहब ने देवेंद्र कादियान साहब ने जो मेहनत कर रखी थी उसकी कट गई लेकिन एक बात सुनो निर्मल की क्या टिकट करनी जो गद्दारी करी पार्टी थे इसकी इसको मिलेगा कहाँ था इसका टिकट किसने करी गद्दारी गद्दारी करी निर्मल चौधरी ने वो तो पार्टी में ही है पार्टी में रखा था गद्दारी करी और ये कोशिश भाई रिकॉर्डिंग भी आ रही भाई रमेश कौशिक की भी आ रही ने गद्दारी करी अरे एक और बात सुनो भाई महाराज जो जिसके भाई ने टिकट ठहरी है इब 2 तारीख ने उसका ओके कारण लगाइया का होया करे ब्याह में अटके वो साल होया करे वो अन्न हो रहा है 2 तारीख ने वो सालगिरह कहे हैं कि बोलते होंगे उसकी सालगिरह अन्न हो रही है 2 अक्टूबर ने उसकी सालगिरह होगी पीछे जो वीडियो रील बाबा है ना उसकी रील अटके दोबारा बनेगी आएंगी है ऐसे ऐसे नेता ने हल्का नहीं जाता भाई हल्के फिर दो थप्पड़ दिखावा एक तरह जीत वोट मांग रहे एक थप्पड़ दिखावा क्यों देंगे वोट दिखा रहा थप्पड़
कांग्रेस। अच्छा। हाँ थप्पड़ लिया पहले न्यू खड़ी पावा कौन दें दे वोट। अच्छा। क्या तय देंगे उसकी वोट इसको हम बढ़ाऊंगे। पार्टियों कोई झगड़ा नहीं, आजाद हमारा प्रजातंत्र राज है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, आजाद हमारा लड़का खड़ा है, इसको हम बढ़ाऊंगे। अच्छा। हाँ अगला काम फिर आगे देखेंगे हम। अच्छा आप कह रहे हैं कि भाई थप्पड़ लिए खड़ा है और वो कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा और कह रहे जाट तो उसको वोट कर, तू किसे कह थप्पड़ दिखा दे वो बालक बात। हरियाणा में तो जाट कांग्रेस के हैं। कौन है हरियाणा में होंगे रहेंगे मारा हल्का इसका जाट कभी भी एक जगह नहीं होया करे कद्दे का रोल है जाट जाट एक जगह नहीं कदे पाँव है कोई ना ये तो सारे का पाग रहे हैं। हाँ कदे कोई नहीं मानता हो भाई। हाँ ठीक है तो भी यहाँ पे भी बटे हुए हैं थोड़े घने तो आड़े भी बटे पाओगे कोई इसी बात तो नहीं भाई एक जगह सब कुछ है फिर याद छत्तीस जात का सहयोग है इस लड़के को। हाँ छत्तीस हाँ हाँ आप बताइए ये आड़े 100-150 मानस खड़े हैं देवेंद्र कादियान में कोई कमी काटे दिखा दो अरे फिर भी मारे बलैम लाल लाग रहे वीडियो झूठी बनाने लाग रहे मारी ऐ सेम का दावेदार पानेंगे नहीं ये बात को जो सेम का दावेदार है वो पब्लिक में ये बात बोलता है झूठ बोल दिया क्या झूठ बोल मारी वीडियो या नकली बना के भेज रखी उन्होंने आगे उसके साथ खड़े हैं वो क्या नाम उसका ब्रजभूषण के साथ ब्रजभूषण के साथ इसकी वीडियो बनाकर नकली भेज रखी है हैं मारे पूरी 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 बात बताइए क्या है मारे का दंड है जो ये बहुत पुरानी वीडियो थी इनको जो इनाम दे थे जब ये साथ था लेकिन जो ये बात चलाई जा रही है अगर ब्रजभूषण के साथ इन लड़कियों के साथ में जब ये कांड हुए जब ये बात हुई ये भी बात अब उछालने लग रही हमारी ये झूठ लग रहे बोलने ऐसे बदलना में नहीं होगी। भूषण के साथ में देवेंद्र खाद्यान्न का फोटो पहले था पहले जब वो लड़के को इनाम दिया था था तब था। हाँ जब बीजेपी में थे वो। हाँ 2022 का है ये अरे भी आज सीएम के दावेदार होगा उनसे और आज हमारे भी ये बलम लगाने लग रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ रमेश रमेश जी हाँ वो सिख तो नहीं है नाम दे कई देने की देनी अच्छा। हाँ तो क्या नाम हुआ उनका जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं कादियान या फिर कौशिक जयेंद्र बहुत बढ़िया आदमी है बहुत बढ़िया आदमी है देवेंद्र। हाँ दो देवेंद्र है ना कंफ्यूजन हो जाता ना ना कायद्यान कायद्यान हाँ ईरा ईरा हाँ क्या काम अच्छे लगते हैं इन्हें बहुत बढ़िया काम गरीब है सबके लिए सही करा है। अच्छा। हाँ अमीर हो को सब सबके लिए बराबर इन्हें गैस सिलेंडर भरा हुआ है नहीं हाँ भर रहा है जी ओ तुम से कटर कर रहा ना गला लंबा ओ भर रहा है जुझे कटर काटा कर रहे हैं इतना लंबा भर रहा सिलेंडर जी गैस सिलेंडर भर रहा है नहीं ठड्डा भर रहा है 10 बजे फिर बना देंगे ठड्डा भर रहा खड़िया है कौन मिला के बात यह है दोनों की जमानत जब्त है भाई बस दोनों की किसकी कुलदीप शर्मा की कोशिश की बिल्कुल 1 लाख वोट आ रही है बड़ी बात क्या बिल्कुल 1 लाख वोट 1 लाख हाँ जी बिल्कुल और आप कह रहे हैं बड़े खिलाड़ी हैं ये गद्दार हैं गद्दार आप अपनी पार्टी हो दोनों पार्टी हो गद्दार बिल्कुल अपनी पार्टी के दोनों फंस गए अपने जाल में फंस गए बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल दोनों फंस रहे हैं दोनों चित जाएंगे निर्मल चौधरी जी निर्मल चौधरी जी ये कह रही थी सिलेंडर मेरे पास भी था पहले किसका उसकी किस्मत थी खराब उसकी किस्मत खराब थी उसमें तो पाइप भी कौन थी हमारे पास पाइप तो है हाँ रेगुलेटर भी है खाली था उसका तो गैस भर रही है पूफो लग दी हाँ बिल्कुल दोनों का दा रही है आप बताइए भाई आपका क्या नाम विजेंद्र नाम है विजेंद्र आप बताइए आप किसको चाह रहे हैं आपकी बात देवेंद्र कादियान को सारे देवेंद्र कादियान सलाह कर लिया आप लोगों ने हाँ जी पूरा गांव साथ में लगा पूरा गांव पूरा हल्का जी छत्तीस बिरादरी जी साथ है हाँ जी ऐसा क्या काम अच्छा लग गया आप ये जो काम कर रहे हैं जी बहुत बढ़िया कर रहा है काम जी पूरे हल्के में सबसे ज़्यादा काम यू है आज तक जो बने हैं नेता उन बने यू बने बने भी काम ज़्यादा कर रहा है जी ज़्यादा कर रहा है हाँ जी चलिए और लोगों से भी पूछेंगे थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करूँगा आपका क्या नाम हुआ जी सुभाष कादियान नाम है मेरा अच्छा आप तो कादियान हैं और कादियान को ही सपोर्ट नहीं 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 ऐसा है मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा जन्म भी दिल्ली का ही है अच्छा हाँ यहाँ पे क्या चुनाव देखने के लिए ये मेरा गांव है बजाना कला अच्छा आप पहले से ही रहते हैं इनका अंकल लगता हूँ अच्छा। ये तो तेवड़ी है ना गांव मैं तेवड़ी है मैं सब जगह घूम लिया जो बातें अभी पब्लिक के बीच में गांव के लोगों ने सारी आपको बताई सेवा भावना की ये सेवा करी इसका जो बीज बोया गया है ना जो सेवा का ये गन्नौर का इलेक्शन साधारण इलेक्शन नहीं है ये राजनीति का इतिहास बदलने वाला इलेक्शन है इस इलेक्शन के अंदर जो लड़का इलेक्शन लड़ रहा है
वो राजनीति की दिशा बदल देगा सेवा की भावना के लिए। लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए। आज तक जितने भी नेता आए हैं परिवारवाद और पैसे के लिए आते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। लेकिन निर्मल चौधरी जी तो कह रही हैं कि ये भी व्यापारी हैं, 5 साल अपना व्यापार करते हैं, 3 महीने से वोट मांग रहे हैं। ऐसा है इन 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 लोगों का, बड़े बड़े नेताओं से ये पूछो कि तुम्हारे बिजनेस क्या हैं। इस लड़के ने तो मेहनत करी है, मैं आज से नहीं जानता, जब इसकी जूस की दुकान थी दिल्ली में छोटी सी किराए पे ली थी, तब से हमारा संपर्क जानक पहचान है, क्या परिवार है। उसके बाद किराए की थी, कोरोना लग गया, कोरोना के अंदर वो धंधा भी चौपट हो गया। मेहनत से इसने बिजनेस खड़ा किया है, तो बड़े बड़े होटल बिजनेस मेहनत करी है 30 साल से इसने, 30 साल की मेहनत है। तो अभी तीन साल पहले तो और काम धंधे थे इसके, दुकान था। आप बताइए जी आपका क्या नाम है? मेरा कृष्ण कादियान। अच्छा आप भी कादियान? हाँ मैं छोटा। तो सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भाई। तो क्या क्या समीकरण देख रहे हैं, कुछ आ भी रहा है आपके पक्ष में मामला या नहीं? नहीं बिल्कुल पक्ष में है ये। क्या समीकरण है वोटों का समीकरण? टोटल इसकी तरफ आएंगी, टोटल कैसे आएंगे? 37 बिरादरी साथ है इसके, ये पब्लिक से जुड़ा हुआ है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है ये, हर मतलब छोटे से लेके बड़े हर आदमी के आसपास आता जाता रहता है ये, किसी के दुख में दर्द में, बच्चों के लिए एम्बुलेंस सेवा, हर काम के लिए आगे तैयार रहता है ये। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नरेश नाम है भाई। नरेश जी हाँ, आपको क्या लग रहा है किसको बना रहे हैं आपकी बात? अध्ययन को बनाएंगे। अध्ययन काम वाम अच्छे लग गए? बहुत अच्छे। क्या करते हैं आप? मेरा तो हलवाई का काम है, दुकान है मेरी। अच्छा हलवाई का। बढ़िया चल रहा है काम? बढ़िया, एक नंबर का। देवेंद्र कादियान जी क्यों पसंद आए? पसंद आए, ये अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। आप बताइए आपका क्या नाम? कुलदीप जी। कुलदीप जी शर्मा तो नहीं है? नहीं जी, कादियान है। अच्छा कुलदीप कादियान है। हाँ जी। उधर कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं हाथ बदलेगा? ना ना जी, ना 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 जी। अच्छा। देवेंद्र कादियान बनेगा जी। देवेंद्र कादियान एक तरफा इलेक्शन है जी। क्या कुछ समीकरण? बहुत बढ़िया, बढ़िया लड़का है, बढ़िया काम कर रहा है। एम्बुलेंस सेवा देखो, ये लिख रखी फ्री सेवा, ये इसका भी फोटो खींच लो। बालकों के लिए सिक्योरिटी, जो बालक अच्छे पढ़ते होंगे। तो देखिए लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार अब की बार यहाँ की जनता किसकी सरकार चाहती है और किसको यहाँ से अब की बार MLA बनाना चाहती है। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन यहाँ से विधायक बनेगा, लेकिन लगातार ऐसे ही अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। चुनाव जितने नज़दीक आते जा रहे हैं उतना ही रोमांच बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लगातार लोग उत्साहित हैं कब वोट डले और कब फिर नतीजे आएँ, लेकिन इस दौर में नेताओं के दिलों की धड़कन भी लगातार बढ़ रही है कि आखिरकार होगा क्या। तो जो होगा वो हम आपको सबसे पहले अपने चैनल पर दिखाएंगे। लगातार जुड़े रहिएगा हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट यूँ ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, राम राम।